कढ़ाई बनाऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए हिना मेहंदी, ये मैंने हाथों में लगाने वाली मेहंदी ली है, और मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ हिबिस्कस पाउडर। ये हिबिस्कस पाउडर घर का बना हुआ है। और मैं यूज़ करूँगी यहाँ त्रिफला पाउडर, ये 2 चम्मच त्रिफला पाउडर लिया है मैंने, और ये 2 चम्मच हिबिस्कस पाउडर। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ग्वावा की लीव्स, ये अमरूद है, अमरूद के पत्ते हम यूज़ करेंगे। और हम यूज़ करेंगे ग्रीन टी का बैग, 1 ग्रीन टी का बैग चाहिए हमें, और कुछ हमें हिबिस्कस के पत्ते चाहिए, और अगर फ्रेश फ्लावर हो तो वो भी हम ले सकते हैं। और मैं यूज़ करूँगी यहाँ 4 आंवले, ये फ्रेश आंवले हैं, ये 4 आंवले मैं इसमें यूज़ करूँगी, और ये फ्रेश मेथी के पत्ते, फेनुगिक लीव्स मेथी, इसको मैंने धो लिया है। और इन दोनों चीज़ों को, इसकी गुठली निकाल के मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी, और कुछ पानी में मैंने ये अमरूद के पत्ते, ग्रीन टी और हिबिस्कस के पत्ते, ये हिबिस्कस के पत्ते हैं, और मेरे पास एक छोटा सा फूल था तो मैंने वो डाला है, और ये हमारे अमरूद के पत्ते हैं, और ये हिबिस्कस के पत्ते हैं, और ये एक ग्रीन टी का बैग है। इसको मैंने जितना पानी है इससे डबल से भी ज़्यादा डाला था, ये 1/3 रह गया है, और ये सॉल्यूशन मैंने तैयार करके रखा हुआ है। और उसके बाद मैं ये थोड़ा सा आंवला का जूस भी यूज़ करूँगी, ये घर पे बना हुआ आंवला का जूस है, ये मैंने घर पे बनाया था। मैंने मेथी और आंवले को थोड़ा सा आंवला जूस डाल के इसको मिक्सी में पीस लिया है, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे यहाँ एक आयरन का पैन, और उसमें हम डालेंगे हिना मेहंदी, ये अपने बालों के अकॉर्डिंग आपने लेनी है, और मैं इसमें डालूंगी 1-2, ये हिबिस्कस पाउडर है, 2 चम्मच के करीब है ये, और ये मैंने डाला है त्रिफला चूर्ण, ये भी 2 है, ये स्पून थोड़ा छोटा है तो आप 2 चम्मच दोनों चीज़ ले सकते हैं। और उसके बाद मैं इस पानी को स्ट्रेन कर लेती हूँ, ये पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है, और इसमें मैं डालूंगी मेथी, फ्रेंड्स मैंने इसमें गुवावा लीव्स यूज़ की हैं। गुवावा लीव्स जो अमरूद के पत्ते होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि कोलेजन एक्टिविटी को बूस्ट करता है, जिससे हमारे हेयर की ग्रोथ फास्टर और हेल्दियर होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो फ्री रेडिकल से फाइट करती है और प्रिवेंट करती है हमारे बालों को डैमेज होने से। इसमें लाइकोपेन होता है जो कि हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है, ये हेल्प करता है हमारे हेयर शाफ्ट के आसपास जो डर्ट होती है उसको रिमूव करने में, जिससे कि हमारे बाल सॉफ्ट और शाइनी होते हैं। दूसरा मैंने यूज़ किया है इसमें हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर हमारे बालों को कंडीशन करता है और हमारे जो रेड टिंट आता है मेहंदी यूज़ करने से उसको बूस्ट करता है, और ये हमारे हेयर की ग्रोथ भी करता है, प्री मैच्योर ग्रेइंग के प्रोसेस को स्लो करता है, हेयर लॉस को स्टॉप करता है, और हेयर की शेडिंग, आपके बीच बीच में टूटते हैं बाल तो उसको भी ये स्टॉप करता है। और फेनुगिक लीव्स जो मैंने यूज़ की हैं वो मेथी सीड्स के जैसे ही हैं, बस ये हमने फ्रेश यूज़ किया है, ये हमें सिल्कीनेस देता है, सॉफ्ट करता है हमारे बालों को, फ्रिज फ्री करता है। मैंने इसमें हिबिस्कस लीव्स भी यूज़ की हैं जो कि बहुत ही अच्छी होती है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, और मैंने यूज़ किया है इसमें कच्चा आंवला, फ्रेश आंवला,
ये हमारे प्री मेच्योर ग्रेइंग को कम करता है और ग्रे हेयर्स को ब्लैक करने में हेल्प करता है। और मैंने यहाँ त्रिफला यूज़ किया है, त्रिफला में क्योंकि बहेड़ा और हरड़ भी होती है जो कि हमारे बालों के लिए अच्छी होती है, और अगर आपके पास त्रिफला पाउडर नहीं हो तो आप इसको आंवला पाउडर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ ग्रीन टी भी यूज़ की है, ग्रीन टी हमारे बालों को अच्छे से कंडीशन करता है। तो ये पैक मैंने इस तरह से बनाया है जो कि हमारे ग्रे हेयर को भी कवर करेगा और हमारे बालों को कंडीशन भी करेगा और हमारे बालों को स्मूथ भी बनाएगा और हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। इसको मैं एक प्लास्टिक के बैग से ढक के रख दूंगी। ऐसे प्लास्टिक के बैग से इस तरह से हम आसानी से ढक सकते हैं और हम अब इसको सुबह यूज करेंगे। मॉर्निंग में आप इसको सेक्शन वाइज अपने बालों में लगा लेंगे। और अगर आपने इसका वीडियो देखना है तो मैंने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, हाउ टू अप्लाई हिना। और उसके बाद आपने प्लास्टिक बैग से या शावर कैप से अपने बालों को ढकना है और कम से कम 2 घंटे तक इस डाई को रखना है, और 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं, और इसको नॉर्मल पानी से वॉश करना है। हमें चाहिए मेहंदी, हिना पाउडर 3 से 4 चम्मच, या आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ये मैंने 1 चम्मच शिका काई पाउडर लिया है, ये 1 चम्मच कलौंजी दाना जो कि मैंने रात को भिगो के रख दिया था, 1 चम्मच मेथी दाना, ये भी मैंने रात को भिगो के रख दिया था थोड़े से पानी में, सूखे हुए आंवले 1 चम्मच, ये भी मैंने रात को सोक करके रखे हैं। अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को जो मैंने रात को भिगोए थे इनको मिक्सी में पीस के पैक बनाएंगे। उन तीनों इंग्रेडिएंट्स को पीसने के बाद मेरे पास ये मिक्सचर तैयार हुआ है। अब हम एक लोहे की कढ़ाई में ये मिक्सचर डाल देंगे। शिका काई पाउडर, और अपने लेंथ के अकॉर्डिंग आपने हिना डालना है। मैं इसमें 2 बड़े चम्मच हिना के डाल रही हूँ। याद रहे जब हम उन सोक किए हुए 3 इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड कर रहे हैं तो उसमें से एक्सेस वाटर पहले अलग कर लेंगे और उतना ही पानी मिक्सी में डालेंगे जितना कि उसको ब्लेंड करने के लिए ज़रूरत होगी। बाकी के पानी को हम इस पेस्ट को बनाने में यूज़ करेंगे, और अगर और भी पानी की ज़रूरत हुई तो हम नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इस पेस्ट को हमने कर्ड लाइक कंसिस्टेंसी बनानी है, दही के जैसे इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और इसको अच्छे से मिक्स करना है, कोई लम्प्स ना रह जाए इसमें, इसीलिए इसको धीरे धीरे पानी डाल के हमने अच्छे से मिक्स करना है। अब ये मिक्सचर हमारा तैयार है। अब इस हिना पेस्ट को हम 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको प्लास्टिक के पेपर से रैप करके या फिर आप प्लेट से भी ढक के इसको रख सकते हैं। 2 दिन के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 दिन में इस ग्रीन मेहंदी का, ग्रीन हिना का कलर ब्लैक हो जाएगा, जिससे कि हमारे बालों में ब्राउन की जगह ब्लैक कलर होगा। मॉर्निंग में आप इसको सेक्शन वाइज अपने बालों में लगा लेंगे। और अगर आपने इसका वीडियो देखना है तो मैंने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, हाउ टू अप्लाई हिना। और उसके बाद आपने प्लास्टिक बैग से या शावर कैप से अपने बालों को ढकना है और कम से कम 2 घंटे तक इस डाई को रखना है, और 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं, और इसको नॉर्मल पानी से वॉश करना है। तो मैंने 4 to 5 hours इसको रखा है अपने हेड पे, और आप देख सकते हैं।